शांति। आज की तारीख है 31/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें संगम युग पर बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, परंतु कहते हैं कि एक फिक्र जरूर करना है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों को कौन सा फिक्र रखने की या फिक्र करने की बात बताते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी बाबा कहते हैं कि पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य दो धारणा के मधुर महावाक्य। नंबर एक महावाक्य है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद प्राप्त करना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। नंबर दो है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है और याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। हाँ, मन अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न के समान वैल्यू का होता है। बाबा कहते हैं एक पैसा उसकी रिटर्न में बाप दादा से कितने मिलेंगे, एक पैसा एक रत्न। तो आप सोचो, जितना धन हम ईश्वरीय यज्ञ में लगाएंगे तो हमारे पास कितना बड़ा खजाना जमा हो जाएगा। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जहाँ दिल का स्नेह है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति।